सबसे पहले मैं आपको ये बात बावर कराना चाहता हूँ कि आज का जो दिन है सबसे मुकद्दस दिन माना जाता है, क्योंकि आज ईद उल फितर का दिन है। आज के इस दिन पर हर कोई इंसान, चाहे वो तालिबे इल्म हो, चाहे वो किसी भी पेशे से दावत रखते हो, दूर दराज कंट्रीज में या स्टेट्स में होता है, वो अपने घर ईद मनाने के लिए आता है। लेकिन मैं ये बात बड़े दुख के साथ कहता हूँ कि आज के इस मुकद्दस दिन पे हमें यहाँ इस प्रताप पार्क में आना पड़ा और हमें यहाँ आज ईद नमाज अदा करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पे हमें ईद नमाज पढ़ने का, ईद नमाज अदा करने का कोई शौक नहीं था। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से हमें बार बार दिलासे देते रहे, वो वादे करते रहे, लेकिन वो बिल्कुल खोखले निकले। उनके वादों में, उनके एश्योरेंस में कोई जान नहीं थी, क्योंकि हम वो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स हैं जो 2018 में तैनात किए गए थे। जिस तरह से 2006 में बिल्कुल सेम हम भी वही कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स हैं, लेकिन हम बार बार ये बात हुकाम बाला तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। और आज भी हम आपके वसादत से ये बात उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि जब 2006 के कॉन्ट्रेक्चुअल्स को बिल्कुल एक इंसाफ मिला है, तो हम भी वही कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स हैं और हम भी बार बार आपके पास आए हैं। आप लोगों ने हमें बार बार ये दिलासा दिया है कि आपकी जो जेन्युइन डिमांड्स है, क्योंकि हमने बार बार ये कहा है कि हमारी जो डिमांड है वो बिल्कुल जेन्युइन है। आज तक हमें ये दिलासा देते गए वो कि आपकी डिमांड को पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन हमने शब कदर की रात भी यही मनाई, हमने यहाँ पे बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ बर्दाश्त किया। हम अब से, कल से हम बहुत संगीन स्टेप्स उठाने जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल हमें हमेशा सिर्फ दिलासा देता जा रहा है, हमारे जो वादे हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं। तो हम हुकाम बाला से ये बात आज भी पहुंचाना चाहते हैं कि आप देखिए यहाँ पर जो हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, बिल्कुल आज अपने घर वालों को, आज अपने वालिदैन को छोड़ के आए हैं और इस प्रताप पार्क में अपनी ईद नमाज अदा की है। तो हमारी यही डिमांड है और रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन के से कि हमारी डिमांड को जल्द अज जल्द पूरा किया जाए।